हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे थे, राइट। उसमें हमने जो है देखा था कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अलग अलग टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में करती हैं, राइट। एंड उसके बाद में किस तरह से अपने व्यापार को बढ़ाने की वो कोशिश करती है, बंगाल की दीवानी को जो है वो राइट्स उन्हें मिल जाते हैं, बट फिर भी बंगाल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, वहाँ पर फेमाइन पड़ती है, वहाँ की इकोनॉमी डाउन जाती है। तो ये एक तरह से एग्रीकल्चर को जो है रिवाइव करने की कोशिश करते हैं कि नई नई प्रैक्टिस वो यहाँ पर लेके आते हैं, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था, राइट। और भी कई जो है वो टेक्निक्स लेके आते हैं एग्रीकल्चर को रिवाइव करने के लिए। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो है अब धीरे धीरे इंडिगो, राइट, इंडिगो की भी जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, तो जिसकी जो है बंगाल में खेती की जाती थी, राइट। जो अब ये प्लांटर्स जो होते हैं वो एक उसके अंडर जो है दो तरह से वो खेती करवाते हैं, नई सिस्टम हो गया, राइस सिस्टम हो गया, जिसके बारे में हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया था कि ये दोनों सिस्टम है क्या, राइट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे इन द मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। तो इसी टाइम की अगर हम बात करें, 18 सेंचुरी की या फिर 19 सेंचुरी की बात करें, तो इसमें जो ट्राइबल थे, राइट, हमने जो है हम उसमें भी पढ़ा था, जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है उसमें भी ट्राइब्स के बारे में देखा था कि उनका रहन सहन किस तरह सा है, किस तरह का है, उनके कस्टम्स क्या है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह के जो है कपड़े वो पहनते हैं, राइट। उनके जो है क्या अर्निंग के साधन हुआ करते थे, उनके बारे में हमने जो है अपनी एंशियंट हिस्ट्री में भी देखा था, राइट। अब हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में जो है ट्राइबल ग्रुप्स की बात करेंगे कि यहाँ पे जो है वो किस तरह से रहते हैं, क्या उनके काम हुआ करते थे, राइट। हाउ डिड द ट्राइबल ग्रुप्स लिव। तो यहाँ पे एक कहानी है बिरसा मुंडा की, जो कि एक ट्राइबल ग्रुप से ही जो है वो बिलोंग करते थे। तो उनकी एक कहानी है, इन 1895 एक मैन थे जिनका नाम था बिरसा। वो जो है यहाँ पे छोटा नागपुर, जो कि झारखंड में है, वहाँ की फॉरेस्ट एंड विलेजेस में जो है उन्हें एक तरह से घूमते हुए देखा जाता था। तो लोग उन्हें बोलते थे कि उनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से अद्भुत पावर्स हैं, एंड वो जो है सारी डाइजीज को जो है एक तरह से क्योर कर सकते हैं, एंड ग्रेन जो होती है, जो अनाज है, उसे वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एंड जो बिरसा मुंडा है वो खुद भी जो है बोलते थे कि भगवान ने जो है उन्हें अपॉइंट किया है यहाँ पे टू सेव हिज पीपल फ्रॉम द ट्रबल, लोगों को मुसीबतों से निकालने के लिए वहाँ पे भेजा है। एंड उन्हें जो है जो डीकूज होते, जो आउटसाइडर्स होते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि ये जो ट्राइबल्स होते हैं इनका एक तरह से अलग ही कस्टम्स होते हैं, ये फॉरेस्ट में रहते हैं, राइट। इनके जो है सारे हर एक चीज़ जो है वो यूनिक होती है, चाहे उनके जो भी कस्टम्स होते हैं, उनकी जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, इनके खाने का, पीने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, वो जो है यूनिक होता है, राइट। तो ये जो जो लोग जंगलों में यहाँ पे नहीं रहते उन्हें ये जो है आउटसाइडर्स बोलते हैं। तो ऐसा बोला गया था बिरसा मुंडा के द्वारा कि वो जो है उनकी स्लेवरी से, इन आउटसाइडर्स की स्लेवरी से जो है उन्हें फ्री करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। सो सून थाउजेंड्स बी गेन फॉलोइंग दी बिरसा, जल्दी ही 1000 जो लोग हैं वो बिरसा मुंडा को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बिलीव करते हैं डेट कि वो ही भगवान है एंड वो ही जो है उनकी सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बिरसा जो है वो मुंडास की, मुंडा एक ट्राइब थी, उनकी फैमिली में उनका जन्म हुआ था, जो कि छोटा नागपुर में यहाँ पे रहा करते थे। एंड बट हीज फॉलोअर, बट उनके फॉलोअर्स, ऐसा नहीं है कि वो मुंडा ट्राइब से ही बिलोंग करते थे, दूसरी ट्राइब्स जो थी उनके वहाँ से भी उनके फॉलोअर थे, सांथल्स हो गए, अरवंस हो गए, राइट। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वर एक्सपीरियंसिंग। क्योंकि अब यहाँ पे अगर बात करें हम मॉडर्न हिस्ट्री की, 18-19 सेंचुरी की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इस समय में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके थे, राइट। तो क्या था यहाँ पे कि ये जो चेंजेस यहाँ पे हो रहे थे, उनके जो उनके लोकल कस्टम्स होते हैं, उनके जो रहन सहन का तरीका होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंसेस जो होती वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी, जंगलों की कटाई यहाँ पे हो रही थी। तो इस सब चीज़ों की वजह से ये जो अब ट्राइब लोग थे ये जो है खुश नहीं थे, राइट। एंड इवन जो है ब्रिटिश रूल की वजह से भी जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, उन्हें जो है ज़बरदस्ती उनके एरिया से जो है एक तरह से हटा दिया जाता था, उन्हें वहां से जो है किसी और जगह पे भेज दिया जाता था। सो देयर फेमिलियर वेज ऑफ लाइफ सीम टू बी डिसअपियरिंग, तो जो उनका एक तरीका था अलग सा यहाँ पे रहने का, वो टोटली डिसअपियर हो रहा था। उनका जो लाइवलीहुड था वो एक तरह से खतरे में था, उनका रिलीजन जो है वो भी यहाँ पे खतरे में था। तो ऐसा बोला गया था कि यहाँ पे जो बिरसा मुंडा है वो जो है उन्हें वो अपना भगवान मानते थे एंड वो जो है इनकी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करेंगे।
राइट तो इन सब चीजों के बारे में अब हम यहाँ पे कुछ आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे कि क्या क्या और जो है इनके जो एक तरह से लाइवलीहुड क्या था, इनका जो है लाइवलीहुड का तरीका क्या था, एंड इन्हें जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना करना पड़ता है, एंड ये जो है अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व आउट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे अपनी आने वाली कुछ वीडियोज में. ओके सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ डिड द ट्राइबल ग्रुप्स लिव इन द 18th और 19th सेंचुरी की अगर हम यहाँ पे बात करें. सो बाय द 19th सेंचुरी ट्राइबल पीपल जो है वो जो है एक तरह से डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज यहाँ पे किया करते थे. हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये रहा करते थे. सो कुछ यहाँ पे झूम कल्टीवेटर्स थे, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं उन्होंने झूम कल्टीवेशन को अपनाया हुआ था. ये झूम कल्टीवेशन है, दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें से भी जो है काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन. इसे जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है. तो ये जो है एक तरह से एक छोटी लैंड की जो पैचेस होते हैं उसके ऊपर ये खेती की जाती है, जो कल्टीवेशन वहां पे की जाती है. मोस्टली फॉरेस्ट में ही जो है ये लैंड को लिया जाता है. तो कल्टीवेटर्स क्या करते हैं, वो ट्री के टॉप्स जो होते हैं उन्हें जो है काट देते हैं, सो डैट की जो सनलाइट है वो इजीली ग्राउंड में जो है पहुंच जाए, ग्राउंड के ऊपर उस जो लैंड का पैच है उसके ऊपर पड़े. एंड एक तरह से जो वेजिटेशन होता है ऑन दी लैंड, लैंड के ऊपर जो भी घास फूस होता है उसे वो बर्न आउट कर देते हैं, जला देते हैं, एंड उसके बाद में जो है उसे वो क्लियर कर देते हैं कि सो डैट वहां पे कल्टीवेशन की जा सके उस लैंड के ऊपर. एंड अब जो है यहाँ पे ऐश जो होती है, अरे जो राख होती है वो भी उसके ऊपर फैला दी जाती है, जो कि एक तरह से इस वेजिटेशन को बर्न करने के बाद में वहां पे बनी होती है, जिसमें पोटाश होती है नेचुरल. इसमें जो है कुछ इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कल्टीवेशन के लिए. तो इस ऐश में पोटाश होती है तो वो यहाँ पे फैला देते हैं सो डैट कि सॉइल को अच्छे से फर्टिलाइज किया जा सके. एंड वो जो है कुल्हाड़ी का यूज करते हैं टू कट दी ट्रीज, एंड एक तरह से हो जो होता है हल जो होता है वो भी यहाँ पे यूज करते हैं टू स्क्रैच दी सॉइल, सो डैट की जो है यहाँ पे सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर किया जा सके फॉर दी कल्टीवेशन. एंड देन उसके बाद में जो है वो सीड्स को इसके ऊपर फैला देते हैं, एंड डैट इज स्कैटर दी सीड्स ऑन दी फील्ड. तो यहाँ पे अब जो है प्लोइंग दी लैंड, मीन जो लैंड होती है उसमें जो है वो ज्यादा उसे जोतते नहीं है, उसे जो है एक तरह से वहां पे प्लो का वो यूज नहीं करते हैं जब वो सीड को फैला देते हैं, जस्ट ऐसे ही फैला देते हैं वहां पे. एंड अब क्या था, वंस दी क्रॉप वॉज रेडी, जब ये क्रॉप जो है वो रेडी हो जाती है पक जाती है तो वो उसे काट देते हैं एंड वहां से जो है दूसरी जगह पे निकल जाते हैं. एंड वहां पे फिर नई जगह पे जो है वो एक नई पैच जो होता है लैंड का उसे ढूंढते हैं, एंड सिमिलरली जो प्रैक्टिस है वो दोबारा से वहां पे भी वो फॉलो करते हैं. ओके तो ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मीन एक जगह से एक समय पे वहां पे एक क्रॉप उगा ली एंड उसके बाद में उसे जो है कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया एंड वो जो है किसी दूसरी जगह पे जाके जो है खेती करते हैं. तो उसे खाली क्यों छोड़ा जाता है प्रीवियस लैंड को, सो डैट कि वहां पे जो भी न्यूट्रिएंट्स यूज हुए हैं इस क्रॉप को उगाने के लिए वो दोबारा से जो है जो लैंड है वो अच्छे से रिच हो जाए, वो अच्छे से फर्टिलाइज हो जाए. ओके फर्टाइल लैंड वो जो है बन जाए. सो ए फील्ड दैट हैज बीन कल्टिवेटेड वंस वॉज लेफ्ट फेलो फॉर दिस सेवरल ईयर. जैसा कि आपको बता चुकी हूँ कि जो फील्ड जिसके ऊपर कल्टिवेट कर लिया, एक बार खेती कर ली है, उसे जो है कई सालों तक जो है खाली छोड़ दिया जाता है. एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया. तो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया के जो हिली एरियाज हैं, फॉरेस्टेड एरियाज है, वहां पे ही ये पाए जाते थे. एंड द लाइव ऑफ दीज ट्राइबल पीपल डिपेंडेंट ऑन द फ्री मूवमेंट विद इन द फॉरेस्ट. तो इनकी जो लाइफ थी वो किस चीज के ऊपर डिपेंड थी मेनली, वो जो फॉरेस्ट के बीच में फ्रीली मूव कर देते थे, मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, एंड ऑन बीइंग एबल टू यूज द लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स. एंड जो है इस लैंड को वो यूज करते थे अपनी फॉरेस्ट में ही क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. सो दिस इज द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस द शिफ्टिंग कल्टिवेशन. तो ये एक ओनली तरीका है जिसके थ्रू जो है वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन कर सकते थे, राइट. सो दूसरा तरीका क्या था, कुछ यहाँ पे हंटर्स थे एंड कुछ गैदरर्स थे. सो इन मैनी रीजन ट्राइबल ग्रुप जो है वो एक तरह से एनिमल को हंट करके या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करके जो है वो अपनी लाइवलीहुड चलाया करते थे. दे सो फॉरेस्ट एज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल. तो उनके लिए जो फॉरेस्ट हुआ करते थे वो जो है काफी ज्यादा जरूरी थे उनके सर्वाइवल के लिए. तो जो खोंड है, खोंड भी एक ट्राइब है. ओके वो एक ऐसी कम्युनिटी थी जो कि ओडिशा के जंगलों में रहा करती थी. तो वो जो है रेगुलरली एक तरह से हंटिंग के लिए जाया करते थे
एंड हंटिंग करने के बाद में जो है जो मीट होता है वो अपने बीच में जितने भी लोग थे वहां पे उसके बीच में जो है वो उसे डिवाइड कर लेते थे। तो फ्रूट्स को जो है वो खाया करते थे, फ्रूट्स जो भी वो कलेक्ट करते थे फ्रॉम द फॉरेस्ट राइट वो यहाँ पे खाया करते थे। एंड ऑयल जो है वो कौन सा यहाँ पे यूज किया करते थे फूड को कलेक्ट करने के लिए, साल एंड महुआ के सीड्स जो होते हैं उससे जो जो भी ऑयल यहाँ पे निकाला जाता है उसे जो है वह यहाँ पे यूज किया करते थे फूड को कुक करने के लिए। सो कई सारी जो हर्ब्स होती हैं वो फॉरेस्ट में जो पाई जाती हैं जड़ी बूटियाँ, तो उसे वो यूज़ क्या करते थे मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, एंड इवन कुछ सोल्ड भी करते थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लोकल मार्केट्स में, एंड ये भी उनका एक थोड़ा बहुत छोटा मोटा अर्निंग का साधन भी था। एंड अब क्या था जो लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स हुआ करते थे वो भी खोन्स के पास जाया करते थे किस चीज के लिए, कुसुम एंड पलाश के फ्लावर्स को जो है खरीदने के लिए वो जो है इन खोन्स के पास जाया करते थे जो वीवर्स थे लेदर वर्कर्स थे राइट टू कलर देयर क्लोथ्स एंड लेदर, अपने जो क्लोथ्स को या फिर लेदर को कलर करने के लिए वो जो है इन फ्लावर्स को इकट्ठा किया करते थे फ्रॉम द खोन्स राइट, क्योंकि इनके बारे में जो है इन ट्राइब को ही पता हुआ करता था इन फ्लावर्स के बारे में, एंड उनके पास ये आसानी से मिल जाते थे राइट। तो ये इनके जो है तरीके हुआ करते थे वहां पे रहने के, कुछ यहाँ पे जो है झूम कल्टीवेटर्स थे एंड कुछ जो है वो हंटर गैदरर्स थे अगर हम यहाँ पे बात करें 18-19 सेंचुरी की राइट। सो वील डिस्कस अबाउट दी मोर थिंग्स इन अबाउट दिस टॉपिक अबाउट दी ट्राइबल पीपल, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।